दोस्त अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री का वायरल प्रश्न पत्र। ये बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र होने वाला, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर रियल प्रश्न पत्र प्राप्त करना चाहते हैं आप लोग एग्जाम से पहले, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सबसे पहले वहीं पर मिल जाता है। इस नंबर पर मैसेज करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बॉय और गर्ल के लिए दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन दिया है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, तो ऑक्सीकरण की कैसी प्रक्रिया है? इलेक्ट्रॉनों का हानि है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की हानि है ऑक्सीकरण, और अवकरण देगा तो ये इलेक्ट्रॉनों की लाभ है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दो नंबर है कि अपचयन की प्रक्रिया है, अपचयन की कैसी प्रक्रिया, तो दो नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की लाभ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की लाभ हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस यौगिक में एक परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था अधिक होती है, तो किसमें? तो तीन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चार नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व की धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था इंगित करती है वह, तो चार नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकृत, ठीक है। पाँच नंबर क्वेश्चन है, H2O8 में S की ऑक्सीकरण संख्या है, तो पांच नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छह नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व को मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो छह नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, छह का सी हो जाएगा। चलिए सात नंबर स्टार्ट करते हैं, और ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि वहीं पर रियल प्रश्न पत्र सबसे पहले दे दिया जाता है। हाँ, और एक और बात की फिजिक्स का पेपर अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर चैनल पर से देख सकते हो, ठीक है। देखिए सात नंबर क्वेश्चन दिया, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो कैसी होती है? सात नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1/2 ऐसे लिखा होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस यहाँ पर रहता है, ना कि यहाँ पर, ठीक है, ऐसे होता है। चलिए अगला देखते हैं, एक अपचयक अभिक्रिया है, तो कैसी अभिक्रिया है? तो आठ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आठ का बी हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतरा आणविक अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो कौन इसका उदाहरण? तो नौ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नौ का। दस नंबर देखते हैं, अंतराणुक अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो कौन है? तो दस नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, असमानुपात अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो कौन है? तो ग्यारह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2O2। बारह नंबर क्वेश्चन है, समानुपात अभिक्रिया है, तो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बारह नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारह का ए हो जाएगा। चलिए तेरह नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी यौगिक में परमाणु ए बी और सी है, तो ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः 6, -1 और 2 है, तब यौगिक आणविक सूत्र है, तो तेरह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं डायरेक्ट, चौदह नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलआई ऑक्सीकरण से गुजरता है, ठीक है, एलआई गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंद्रह नंबर, पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, 2CaO(-3) दिया है, तो इसका अर्ध अभिक्रिया में, तो इसका अर्ध अभिक्रिया भाग पूछ रहे हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉनों का भाग है? तो पंद्रह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, सोलह नंबर क्वेश्चन ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः है, तो ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है क्रमशः? तो यहाँ पर देखिए 4 दिया है 3 दिया है 2 दिया है 2 दिया है 3 दिया है, तो ये कहाँ दिया है? तो सोलह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है, सो 4 का -4 हो जाता है, फिर -2 हो जाएगा इसका, और फिर 0 हो जाएगा, फिर +2 और फिर 4, ठीक है, ये देखिए सजातीय रूप में है, ठीक है, ये सजातीय रूप में ही इसको देखा जाता है। चलिए देखिए 16 तक हो गया, आधा से भी ऊपर का क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, और बता दे रहे हैं कि रियल क्वेश्चन मॉर्निंग में आता है, ठीक है, रियल क्वेश्चन कल मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा, ये बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है, ठीक है, ये वायरल प्रश्न पत्र है, इसमें से कम आपका 30 क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है, इसमें से 30 क्वेश्चन लड़ेगा, इसलिए हम करवा रहे हैं इसको। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक औपचारिक एजेंट है, तो कौन एजेंट है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में इसका अभिक्रिया में क्लोरीन पूछ रहा है, क्लोरीन का कितना भाग है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीकृत भी एक अपचयक भी है, ठीक है।
19 नंबर क्वेश्चन Mn का दिया है और A का मान पूछ रहा है, A का जब मान निकालिएगा तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, A भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, C में कितना दिया है, ठीक है यहाँ पर C दिया है, सी पाँच, ठीक है सी पाँच हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है बीटा का मान पूछ रहा है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा 4e के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये माइनस इसलिए लगा रहता है ताकि ये देता है, ठीक है, और जहाँ लेता है ना इलेक्ट्रॉन की जहाँ हानि होती है तहाँ ये होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो फिर यहाँ पर ऐसे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसी से समझ जाते कि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना कि लेने वाला है। 21 नंबर क्वेश्चन, एक अम्लीय माध्यम में फेरस ऑक्साइलेट में एक मोल की पूरी तरह से आक्सकृत करने के लिए आवश्यक MnO4 के मोलों की संख्या, तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.6 मोल। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, PO3 में P आक्सीकरण की संख्या में इसका मतलब S तथा Cr की आक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आक्सीकरण शक्ति का सही क्रम है, तो सही क्रम कौन है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आक्सीकृतकर्ता उत्पाद बनाता है, ठीक है उत्पाद कौन बनाता है, तो SO4 बनाता है, ठीक है SO4 बनाता है। हीमोग्लोबिन में लौह की आक्सीकरण अवस्था होती है, तो कितनी होती है हीमोग्लोबिन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं 26 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में नाइट्रोजन उच्चतम आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं आ रहा है, ये आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 26 का ए हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लिया, ग्रुप का नंबर हम बता ही दिए कि 6210 82403 पर आप मैसेज करके वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस पर भी क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, बॉय और गर्ल के लिए दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप प्रोवाइड है वहां पर। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरस की आक्सीकरण अवस्था में सबसे कम किसमें होती है, तो किसमें होती है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H3PO2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि H4 तो नहीं होगा, H3 भी आप लोगों को पता ही है कि नहीं होगा, ठीक है ये भी नहीं होगा, H4 भी नहीं होगा, H3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि PO3 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अम्लीय शक्ति का सही क्रम पूछ रहा है, तो अम्लीय शक्ति का सही क्रम क्या है, तो ये देखिए ये गलती दिया है, ये आपका सही दिया है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, देखिए ये भी गलती दिया, ये भी गलती दिया, तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HClO4, फिर इससे ये छोटा हो जाएगा, फिर इससे ये छोटा हो जाएगा, फिर इससे ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा HClO4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ ही होगा, जो आक्सीकरण और अपचायक दोनों के रूप में कार्य करते हैं, तो कौन दोनों के रूप में कार्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2 और O2। ठीक है, H2 और O2 ये कार्य करते हैं। वहीं 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है,